कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड. आज की जो हमारी क्लास है ना, इज रियली अ मोटिवेटिंग क्लास फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएचएससी एंड जीडीसी एंड जीआईसी. ठीक है, सबके फॉर्म्स यू नो आप लोगों ने फिल कर ही दिए होंगे. ठीक है, यूपीएचएससी का भी निकल चुका है, वो भी आपने फिल कर दिया होगा. हाउ टू स्ट्रेटजाइज योरसेल्फ कि आपको स्टडी कैसे करना है, द डायरेक्शन. ठीक है, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं तो आपकी मैं एक स्ट्रेटजी प्लान कि आपका कैसा पैटर्न होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, वो आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिलेगा. विद दो स्टूडेंट्स हु आर यू नो प्रिपेयरिंग फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो, उनके लिए तो ये बहुत स्पेशल क्लास है क्योंकि उसमें मैं ना स्पेशल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि वो तो आपको छोड़ने नहीं है. मतलब आप रिवाइज कर रहे हो ना, ठीक है, और हमें पता है कि यूपीएचएससी में क्या आता है क्या नहीं आता, वो भी मैं डिस्कस करूँगी पूरी तरीके से कि मुझे किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, क्या बहुत हाई लेवल की प्रिपरेशन करनी है, क्या बिल्कुल ही पीजीटी लेवल की प्रिपरेशन करनी है, तो वो आज की इस पूरी वीडियो में वी विल गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, तो लेट गेट स्टार्टेड ऑफ. अगर हम सबसे पहले बात करें कि व्हाई यूपीएचएससी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो हम देखिए मैंने अब ये चैनल बनाया फॉर CSIR-NET गेट के बच्चों के लिए, तो हम लोग ये कर क्यों रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग दीज थिंग्स. नेट GRF हम इसीलिए करते हैं कि हमें प्रोफेसर बनना है, हमें रिसर्च में जाना है, हमें आगे करना है. ठीक है, गेट हम किस लिए करते हैं कि PSUs में हमें अच्छी जॉब मिल जाए. तो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली इज दैट वी वॉन्ट अ सिक्योर लाइफ, वी वॉन्ट अ वेरी गुड यू नो जॉब. ठीक है, तो प्रोफेसर्स की अगर हम लोग यू नो टीचिंग लाइन की बात करते हैं तो UPHEC और GDC एंड GIC ये तीनों की तीनों वन ऑफ द नॉर्म्स में, मतलब बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब है. मतलब इसके ऊपर कोई और अच्छी जॉब नहीं मिलेगी आपको अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है एक टीचिंग लाइन में. और तो बहुत सारी हैं बट दिस इज द यू नो टॉप मोस्ट लेवल. ठीक है, क्यों मैं कह रही हूँ टॉप मोस्ट लेवल, जो IAS की जैसे सैलरी होती है ना, जो हम कंपेयर करते हैं ना, वो असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम UPHESC एंड GDC में जो लोग अप्लाई करते हैं और जिनको ये पोस्ट मिलती है उनकी वैसे ही होती है. मैं डिफरेंस बताती हूँ IAS और एक असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या डिफरेंस होता है. सैलरी तो हमको बराबर मिल रही है, ठीक है, IAS की तो अपनी ही बातें हैं, वो हम कंपेयर नहीं कर सकते. बट एक और चीज़ है कि जो उनके ऊपर प्रेशर होता है ना काम का, बर्डन का, क्योंकि उनके हर यू नो एक साल बाद ट्रांसफर होता रहता है. आई हैव नोन सो मेनी IAS ऑफिसर्स एंड PCs अराउंड मी, तो उन लोगों की तो लाइफ में ऐसा होता है एक साल आगरा, एक साल लखनऊ, एक साल आप क्या कहते हैं गुड़गांव में है, नोएडा में है, इट्स जस्ट लाइक दैट. PCS मतलब इन लोगों का ट्रांसफर बहुत होता है, प्रेशर बहुत होता है, बहुत सारे हेड्स होते हैं. और असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा आपको कोई प्रेशर नहीं है इफ यू आर गेटिंग द जॉब. ठीक है, अगर आपको सिक्योर्ड ऑफ रहना है, आपकी बहुत अच्छी सैलरी है, आप सेटिस्फाइड हो, और इंसान के सेटिस्फेक्शन की तो कोई सीमा नहीं होती. ठीक है, तो ये जॉब बहुत अच्छी है. तो मोटिवेट हो इसी चीज से कि यू नो अभी मैंने JRF क्वालिफाई किया, मैंने अभी नेट क्वालिफाई किया, अपॉर्चुनिटी देखो तुम्हारे सामने. जिन लोगों ने तो अभी किया उनके लिए तो कितना अच्छा, जस्ट रिवाइज सिलेबस करना क्या है, थोड़ा सा GS और एडअप करना है. तो बिल्कुल मोटिवेट हो, पहले तो अपने आप को मोटिवेट करो. ठीक है, सिर्फ 3 महीना ही रह गया है, तो ये 3 महीने में बस यू नो फोर डालो, सब कुछ जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो. ठीक है, अब ना सबसे पहले बात करते, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, नो नेगेटिव मार्किंग एक्चुअली. ठीक है, मैं भी डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे विजिट करती रहती हूँ. ठीक है, तो ओवरऑल द कंक्लूजन इज कि नो नेगेटिव मार्किंग, कि UPHESC में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. हाँ, GDC और क्या कहते हैं अपना GIC में नेगेटिव मार्किंग होती है. ठीक है, अब अगर बात करें और फर्दर कि क्या पैटर्न है, देखो सभी चाहिए तीनों एग्जाम्स हैं. ठीक है, GIC में फर्दर एक और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, पर प्री तो एक बार सब में होता है, और उसका यही पैटर्न होता है कि रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा. ठीक है, 200 मार्क्स का रिटर्न होता है, इंटरव्यू 30 मार्क्स का होता है. ठीक है, मैं कहती हूँ इसमें अच्छे नंबर लो. रिटर्न अगर आपका अच्छा है ना, तो इंटरव्यू ओवरऑल, क्योंकि आपके पास पहले उनके पास रिटर्न मार्क्स आते हैं, वो एक आपकी इमेज बन चुकी है एग्जामिनर के सामने, तो ठीक है अच्छा ही होगा, है ना. अगर रिटर्न आप अच्छा करोगे, इंटरव्यू आप अच्छा ही करोगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी जब यू नो एक बार हो जाएगा कि इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए, स्पेशल आपको क्या फोकस करते हुए जाना चाहिए. ठीक है, अब रिटर्न की अगर हम बात करें तो उसको दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है, GS एंड सब्जेक्ट. ठीक है, वट एवर यू हैव सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, वट एवर यू हैव, तो सब्जेक्ट के 70 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, 2 मार्क्स ईच, तो 140 मार्क्स. ठीक है,
जीएस, अब देखो जीएस ना बहुत बड़ी है, वी कांट से ऑफ कि इतना पढ़ लो इतना पढ़ लो इतना पढ़ लो, बट मैं यही कह सकती हूँ कि थोड़ा सा अगर कहीं से प्रीवियस ईयर मिलते हों आपको जीएस के, यूपीएचईएससी के, अब जैसे मैं केमिस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, वैसे जो जीएस कॉमन आता है, ठीक है, तो आप वहाँ से जीएस वो तो देखो ही देखो, और 21 के करंट अफेयर्स, क्योंकि वो हम कर सकते हैं, 2021 के करंट अफेयर्स हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एनवायरमेंटल की नॉलेज ले सकते हैं, थोड़ा पॉलिटिकली नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यू नो लोकसभा में कितनी सीट्स होती हैं, प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, जस्ट लाइक कोविड चल रहा है, कोरोना वायरस इज गोइंग ऑन, तो उससे रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक पढ़ लो, तो जस्ट जीएस में हमें यही करना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाएंगे, केमिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा ब्रॉड है, बट हाँ उसको थोड़ा सा साथ में लेके जा सकते हैं, ताकि क्योंकि नंबर ज़्यादा है, यू नो 60 marks matters a lot, तो अगर हमारा थोड़ा सा केमिस्ट्री हल्का रह गया तो वो एटलीस्ट वो पूरा कर लेगा, कवर अप कर लेगा, तो दोनों को इक्वली लेके चलेंगे हम लोग, तो एक दो घंटा भी अगर हम लोग पढ़ते हैं, एक घंटे की भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं डेली की, कि मुझे डेली की न्यूज़ और यू नो करंट अफेयर्स और थोड़ा सा, क्योंकि मैं पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ पाऊंगी यार, ये तो फैक्ट है, मैं आप झूठे आपको बोलूँगी लव भैया हिस्ट्री की बुक उठा लो पढ़ने लग जाओ, ज्योग्राफी आप क्या क्या पढ़ोगे, सो ब्रॉड, ठीक है ना, बट हाँ मैं इतना बोल सकती हूँ थोड़ा सा पॉलिटिकली नॉलेज ले लो कि अभी रिसेंटली कहाँ पे यू नो वही करंट अफेयर्स लाइक टाइप ऑफ, और क्या कहते हैं कहाँ पे अभी दिस कोविड वैक्सीन्स अभी लॉन्च हुई हैं, कौन कौन सी कोविड वैक्सीन्स लॉन्च हुई हैं, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब रही सब्जेक्ट की बात, क्या करना है, देखो नेट के लिए आपने प्रिपेयर अगर कर रहे हो तो वेरी गुड, ठीक है, तो नेट जितना ही लेवल आता है, बट मैं आपको एक और चीज़ भी बोलूँ, अगर आप नेट का भी एग्जाम दे रहे हो ना, तो आप ये देखोगे कि नेट में भी बहुत यू नो पैटर्न हैज़ बीन चेंज्ड अ लॉट, ठीक है, जो एनटीए ने जब से लिया तो पैटर्न हैज़ बीन चेंज्ड, और मैं ये भी नहीं कहूँगी बहुत हाई लेवल का, और मैं ये भी नहीं कहूँगी बहुत बिलो द लेवल है, बिल्कुल मीडियोकर है, मींस मैं क्या कहना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रिपेयर किया, ठीक है, आपने नेट के प्रीवियस ईयर लगा लिए हैं, गेट के आप लगा चुके हो, अब आप क्या करोगे, आप कोई भी ना पीजीटी लेवल की बुक उठा लोगे, पीजीटी, ठीक है, पीजीटी टीजीटी की बुक्स बहुत सारी अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो उठा लो, सिंपल क्वेश्चंस करो, भाई आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रिपेयर किया है तो ऑब्वियसली वो भी क्वेश्चंस कर पाओगे ना, जहां आप अटके मार्केट डाउन कि यार ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ना हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं कई बार, जो हम लोग नेट के लिए प्रिपेयर भी कराते हैं करते हैं, तो फिर उसमें हम क्या करते हैं ना, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा, कई बार छोड़ भी देते हैं हम, फैराडेज लॉ, दो लॉज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कई बार हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम बहुत हाई लेवल पे जा चुके हैं, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेट में फेरेडे पे बहुत ही लिमिट आ रहा, गेट में आया था इस बार क्वेश्चन, नेट में क्यों इसलिए आ गया क्योंकि आईआईटी अब यू नो बीएससी के स्टूडेंट्स भी उसमें अप्लाई कर रहे, तो ऑब्वियस वो लेवल आना ही आना है, तो ये चीज़ है, आपने जैसे फेरेडेज लॉ नहीं किया है ना, और अब फेरेडे लॉ आ रहा है, तो आपका वो कहाँ नहीं मिस होगा, वहाँ पीजीटी के एग्जाम में नहीं मिस होगा, सो आपको प्रिपेयर ऐसा करना है, नेट के भी प्रीवियस ईयर करने हैं, पीजीटी के भी करने हैं, तो जब दोनों के कॉम्बिनेशन होंगे यू विल डेफिनेटली गेट यूपीएचएससी डेफिनेटली, ठीक है, तो इस तरीके से हमें स्ट्रेटेजाइज करना है, जो भी चैप्टर करो पीजीटी के भी क्वेश्चंस कर लो और अपने नेट के भी प्रीवियस ईयर कर लो, तब जब इतना कर लोगे तो मुझे तो नहीं लगता अब इससे बाहर कुछ भी चीज आनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं, अब देखो ये तो है जनरलाइज्ड, आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, दिस इज द वे यू हैव टू गो कि आपको इसको करना है इसको करना है। नाउ द थिंग, दो की केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स है, बिकॉज यू नो केमिस्ट्री के लिए यूपीएचएससी की यू नो वीडियोज नहीं बनती, ठीक है, तो उन्हीं के लिए चाहे इवन आप ना किसी भी स्टेट लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नो उड़ीसा का आप हायर एजुकेशन कमीशन कर रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल हिमाचल का कर रहे हो, राजस्थान, वट एवर इट इज, क्या मतलब यू नो दीज आर द चैप्टर्स जिसमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं, यू नो मैंने बहुत एग्जाम्स दिए हैं, बहुत सारी पैटर्न्स देखे हैं, मैंने ये जनरलाइज ना निकाल के निकाला इसमें से कि आप ना कुछ भी करके जा रहे हो, आपको ये तो छोड़ना नहीं है, चाहे नेट है गेट है वट एवर द एग्जाम, एमएससी का अभी नो जीआईसी दे रहे हो जीडीसी दे रहे हो, ये तो आपको ना छोड़ना नहीं है क्योंकि इसमें से आते ही आता है, डेफिनेटली आता है, जैसे कि आप फिजिकल केमिस्ट्री बात करोगे, केमिकल काइनेटिक न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, व्हाई आई एम फोकसिंग दिस इन ऑन द सेकंड लेवल, क्योंकि ना पता क्या होता है जितने जो थोड़े ठीक लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जैसे अपना जीडीसी या हम लोग जीआईसी या यूपीएचएससी ही मान लें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी बहुत आता है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम लोग छोड़ देते हैं, जबकि बहुत छोटा सा चैप्टर है,
बहुत छोटा सा. अब ये नहीं है कि पूरी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की हिस्ट्री पढ़ लेंगे, नहीं, मेन मेन टॉपिक हमको इसमें से पढ़ने हैं. जैसे बाइंडिंग एनर्जी होती है, अल्फा बीटा गामा पॉजिटिरॉन, इन सब के बारे में नॉलेज लेनी है कि कहाँ से निकलता है. आपको पता है दोनों मास इक्वल करने हैं आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के. तो ये चीज़ें ना जनरलाइज आनी चाहिए ताकि आए क्वेश्चन तो हम ये नहीं हो कि छोड़ के जा रहे हैं पेपर. यू नो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल. पता है स्टैटिस्टिकल भी बहुत बड़ा है, बट पता है कि स्टैटिस्टिकल से भी अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ये भी नहीं छोड़ना है. ठीक है, तो आपको फिजिकल में तो ये पार्ट करना ही करना है. ठीक है, इफ दिस इज, में मैंने एक दो चीजें छोड़ दी हैं, पॉलीमर है, सरफेस है, फेज है. मैंने ये छोड़ दिया इसलिए कि आप अगर फोकस्ड हो कि अभी मेरे को लिमिटेड ही पढ़ के जा सकता हूँ, मेरे पास बहुत 3 महीने का ही टाइम है, तो ये तो भाई करना ही करना है. ठीक है, उसके बाद का तो बहुत है, कुछ भी करो कम है ना. इसके बाद जीओसी रिएक्शन इंटरमीडिएट. देखो सिलेबस तो आ ही चुका है, सिलेबस है आपके सामने ही है. मैं कहती हूँ ऑर्गेनिक पूरा फोकस करके जाना, ऑर्गेनिक बहुत आता है, ऑर्गेनिक का पार्ट ज्यादा आता है. ठीक है, अब जैसे जीओसी है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, यही पूरा केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करता है. मैं आपको बताऊं कि ये कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट है ना, आपके फ्री रेडिकल, आपके मतलब ये मतलब ऐसी चीज है ना घुमा फिरा के आती है, पर लॉजिक वही लग रहा होता है. तो अगर आपका जीओसी स्ट्रांग है, मैं कहती हूँ जीओसी रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म का आपका स्ट्रांग हो गया ना, तो आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग होगी. आप ये सब लोग इसी में स्टीरियो केमिस्ट्री में भूल गई, तो स्टीरियो केमिस्ट्री भी आप इसमें एड अप करोगे. मतलब ये ना दिस आर द बेस ऑफ स्टीरियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ये तो चैप्टर्स ना बिल्कुल छोड़ने नहीं है. पेरिसाइक्लिक पढ़ के जाना है, फोटो पढ़ के जाना है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल का आता है, बिल्कुल बेसिक लेवल का आता है. मतलब यू नो 4+2 आ जाएगी सिंपल सी, आपको ऐड करनी है. फोटो केमिस्ट्री की नर्श 1 आ गई, नर्श 2 आ गई, ठीक है, बाटन आ गई, सिंपल रिएक्शन आती हैं. तो हम क्यों ना रिवाइज करके जाएं, अगर हमने पढ़ा है, इतनी मेहनत करी है, तो क्यों नहीं रिवाइज करके जाना है. तो ये करके जाना है. स्पेक्ट्रोस्कोपी ना मेन फोकस करना है मॉलिक्यूलर पे, फिजिकल पे. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ दिमाग नहीं लगा रहा था. अगर आपको फॉर्मूला आता है देन यू विल गेट इट ऑन. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, बस यही बात है कि आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए. ठीक है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी ही करनी, मतलब दिस. अब इनऑर्गेनिक में मैं आपको बताऊँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनो मेटालिक, ये दो ऐसे जेम चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक के ना. आप किसी एग्जाम में बैठोगे, आपको यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा मिलेंगे. इवन यूपीएचएससी जीआईसी में कर रहे हो ना, आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फॉर श्योर. तो इनको नहीं छोड़ना है. एरोमेटिसिटी मैंने यहाँ पे लिख दिया. एरोमेटिसिटी कितना है यार, आपको 2 घंटा लगता है रिवाइज करने में, 2 घंटा इसको लगता है, 2 घंटा इसको लगता है. मेन ग्रुप केमिस्ट्री शुरू से कर रहे हो, मैंने बहुत डिटेल में कराई है, मैंने कोऑर्डिनेशन बहुत डिटेल में करवाई है, और ऑर्गेनोमेटैलिक केमिस्ट्री मैं कराने जा रही हूँ, 3 वीडियोज हैं और ऑलमोस्ट हो ही जाएगी. तो हमें ये पार्ट तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है. ठीक है, बाय इनऑर्गेनिक है. ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमें पढ़कर जाना ही जाना है. स्ट्रैटेजी अपनी बना लो, कैसे भी कर लो, 1 घंटा जीएस को दे दो और रिमेनिंग जितना है अपना प्रीवियस अपना सिलेबस को दो. केमिस्ट्री पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक बार सिलेक्ट हो गए फिर इंटरव्यू के लिए तो मैं आपकी प्रिपरेशन करवा दूंगी बहुत बढ़िया तरीके से. ठीक है, तो एक बार सिलेक्शन है और क्या करना है मैंने बता दिया है. नेट के प्रीवियस ईयर करने हैं प्लस पीजीटी के प्रीवियस ईयर करने हैं. पीजीटी जो भी लेक्चरर टाइप की आपको कोई भी रिक्रूटमेंट टाइप की बुक मिलती है, उपकार की, ल्यूसेंट की, व्हाटएवर इट इज द पब्लिकेशन इज, तो आप वहां से भी क्वेश्चन करेंगे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पकड़ा, वहाँ के क्वेश्चन करो, वहाँ के क्वेश्चन करो. नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड, नाउ मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रेटेजाई करो. सिलेबस है ही आपके पास, बाकी कुछ और अपनी तरफ से एड ऑन करो. यूनिट्स कन्वर्जन जो है फिजिकल में जरूर करके जाना. ठीक है, यूनिट कन्वर्जन कभी कभी हम यूनिट पे ही अटक जाते हैं लास्ट में आके, तो यूनिट कन्वर्जन भी बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज फॉर दिस वीडियो. होप गाइस दिस इज यूजफुल फॉर यू ऑल. ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है ना पक्का ऑर्गेनोमेटैलिक के आने वाली है. ये मैंने इसीलिए बनाया बिकॉज यू नो बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो रखे हैं, तो आई जस्ट वॉन्ट टू मोटिवेट देम कि नहीं, यू हैव टू मोटिवेट एंड यू हैव टू गेट एनर्जाइज off and prepare for the exam with maximum of your capability. Thank you so much.